अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम होंडा सिटी 70 की चैन एडजस्टमेंट का आपको ओवरऑल तरीका बताएंगे, ठीक है। चाहे ओल्ड मॉडल हो या चाहे नया मॉडल हो, सिटी 70 की जो कंपनी की रिकमेंडेड होती है ना सेटिंग, वो बताएंगे आज आपको। उसके लिए आपको चार टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक बिल्कुल फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। एक आपको ये 17 mm की ये की, एक 22 mm की, और एक 10 नंबर की आपको ये टी या फिर की भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ये खोलना है, ठीक है, ढक्कन इसका, चैन का। ये वीडियो देखिए, आपको इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। ऐसे उधर जाना है। अब चैन ढीली होने की क्या निशानी होती है, ये देखिए, ये चैन है हमारी, ये काफ़ी नीचे है, ठीक है। ये चैन जो होती है ना, अपनी जो ओरिजिनल सेटिंग है वो तब होती है जब ये चैन जो है ना, चैन ये जो लाइन आ रही है, आप गौर करें, ये इसके बराबर में हो। वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ से अपना ये 22 नंबर की लेके, नहीं सॉरी, ये 17 नंबर की लेके आपने ये एक्सल का नट खोलना है। अगर तो आपका ओल्ड मॉडल है तो इस साइड पर होगा वो नट, अगर आपका न्यू मॉडल है तो उस साइड पर होगा, नंबर सेम होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लूज़ करते हैं, थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। फिर आपने लेनी है 22 नंबर की, चाहे न्यू मॉडल हो चाहे नया मॉडल हो, वो इस साइड पेज होगा, ठीक है। उसको आपको थोड़ा सा लूज़ करना है, ठीक है। अब आपने पहले इस साइड से फिर उस साइड से, इस जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ी ठहर के, यहाँ पर निशान होता है, ठीक है। पहले आपने क्या करना है कि सिंपली यहाँ से टाइट करना शुरू कर देना है, और इतना टाइट करना है कि ये जो चैन है ये इसके बराबर में आ जाए। अब आप देखते रहें गौर से, ये देखिए, अब ये जो चैन है ये चैन और ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, ये देखिए, ये लाइन जा रही है इस तरह, ये चैन ये इसके बराबर में होनी चाहिए, ठीक है। अभी भी ये थोड़ी लूज़ है, तो हम सिंपली यहाँ थोड़ा और टाइट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब ये पूरा आप एकदम घुमा के देख लें इसको, ये बाइक अभी गियर में है, ये ठीक है, ये देखिए, ये इसके बिल्कुल सीधे बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अब आपने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होने हैं, ये आपने पॉइंट्स नोट कर लेना है, ठीक है, कि यहाँ पर निशान होगा छोटा सा, वो किस पॉइंट पर है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने अपने उस साइड से देख लेना है कि ये देखिए, ये वाली साइड है, ये देखिए, ये एक निशान आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, ये वाला छोटा, आपने देखना है कि ये उस साइड वाला मेरे वहाँ पर ज़रा दाग लगा, इसलिए कि वो इन पांच पॉइंट में से किसके सामने है, ठीक है। जिसके सामने ये जो निशान है ना, मिसाल के तौर पर उधर इसके सामने हुआ, ठीक है, तो आपने इधर भी इसके सामने करना है। अब मेरे वहाँ पर वो ये वाली चीज़ मिट्टी हुई है, लेकिन आपके होगी। देखिए, ये जो निशान है, ये निशान और ये निशान, ये आमने सामने जिसका इधर होना चाहिए उसका ही उधर होगा। अब इसको एडजस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली ये देखिए, वहाँ पर आप फर्ज करिए मेरा ये है, थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान में है, ठीक है, तो मैंने इनको करके, तो ये देखिए, ये यहाँ पर इतना मैं ले आया इनको, इस निशान को, ठीक है। बेसिक इसमें यही होता है कि आपने वो जो चैन की जैसे एडजस्टमेंट आ रही है आपने वैसे ही करनी है, जो चैन कवर के ऊपर निशान होता है। अब आपने उधर से भी इधर से भी सेम आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने नट टाइट कर देने हैं। लेकिन उससे पहले आप चाहे तो मेरी एक और वीडियो देख सकते हैं कि उसमें हम आयल कैसे देखें चैन को सही तरीके से। अब ये देखिए, ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन बिल्कुल इस तरह, ये देखिए, ये जो लाइन जा रही है इस तरह चैन कवर की, ये इन्होंने निशान इसलिए दिया होता है कि ये देखिए इसके सिम्थ में आनी चाहिए, ठीक है, ना इससे ऊपर होनी चाहिए ना इससे नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अब सिंपली मैं आपको बताता हूँ ज़रा, उसके बाद आपने सिंपली ये नट टाइट कर देना है, ठीक है, ऑयल देने के बाद, क्योंकि मैंने एक ऑयल देने की वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर तरीके से, ऑयल वैसे देते होते हैं, ठीक है। अब वहाँ से भी यहाँ से मेरा बराबर हो गया, ठीक है, तो ये पहले इसको टाइट करना है। उसके बाद आप क्या करें कि अपने टायर को ज़ोर से घुमाए, अपने किसी दोस्त को कहकर वहाँ से ब्रेक लगाए, ठीक है, वो ब्रेक लगाए रखेगा, इतने में आप उसको ऐसे टाइट कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त कुछ कोई है नहीं, तो इसलिए
ये देखिए इस तरह टाइट कर देना है, ठीक है। तो ये आपने सिंपली इसको ऐसे बंद कर देना है, ठीक है। बस आपने यही ख्याल करना है कि ये लाइन लाइन से मैच हो। तो और यहाँ से ये जो निशान है, ये निशान आपके जो आपका पॉइंट यहाँ पर होगा वही पॉइंट आपका वहाँ पर होगा, ठीक है। फिर आपके जो टायर है ना वो बिल्कुल सीधा रहेगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।